एवरीवन, वेलकम टू मीरब्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बीफ स्टू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए कि इसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को मैं कुकर में बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने पहले हाफ कप इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। साबुत काली मिर्च तकरीबन 10 से 12 अदद, दालचीनी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, उसे हमने छोटे पीसेस में कर लिया है। बड़ी इलायची 2 अदद, सफेद जीरा 1 टीस्पून, एक बड़े साइज का मैंने बे लीफ लिया था जिसे मैंने छोटे पीसेस में कर लिया। अब हम इन्हें 30 से 40 सेकंड तक कुक करेंगे। मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। तो 1.5 टीस्पून अदरक ऐड करूंगी जो कि फ्रेश कुटा हुआ। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन 1 टीस्पून, तीस से 40 सेकंड तक मैं इसे कुक करूंगी। इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी, तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू होगी। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। गोश्त मैंने लिया है बीफ का तकरीबन 1.25 किलो। अच्छी तरह से इसे मैंने धो लिया है। और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त मैं इसका मीडियम कर लूंगी ताकि गोश्त को अच्छी तरह से सेक लगे और इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। मैं इसमें हड्डी वाला गोश्त यूज कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इसे बोनलेस से भी बना सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। मिनट तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, तो जो गोश्त का पानी निकला था वो काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, जिनमें मैं ऐड करूंगी ये लाल मिर्च है गोल वाली, जिन्हें मैंने सेंटर से काट लिया है तकरीबन 6 अदद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। प्याज इसमें ऐड करूंगी 1 पाव, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1 पाव में इसमें टमाटर ऐड करूंगी जिन्हें मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। चार से 5 मिनट तक मैं इसे मजीद और कुक करूंगी, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, तो ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मजे की खुशबू इसमें आ रही है। बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही मजे का ये सालन बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 4 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। अब मैं इसे प्रेशर लगा के बंद कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि गोश्त आपका किस हिस्से का है, क्योंकि हर एक हिस्से का गोश्त
डिफरेंट टाइम में गलता है और उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। तो आप देख लें कि आपको अगर गोश्त ज्यादा नरम है तो उसके लिए कम पानी यूज होगा, और अगर आप बगैर प्रेशर के पका रहे हैं तो उसके लिए आप उसका टाइमिंग और उसके पानी का ध्यान रख लें। तो अब इसे बंद करेंगे और इसे मैं 20 से 25 मिनट तक प्रेशर लगाऊंगी। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर लगाया था। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। आप इसे बॉइल्ड राइस, रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं। तीनों चीजों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। 4-5 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया है, तो पानी भी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। स्टू हमारा तैयार है, तो अब हम इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही लाजवाब बीफ स्टू की रेसिपी तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।